हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वप्रतांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से, मेरे ठाकुर जी की असीम कृपा से आज फिर से हरि कथा के माध्यम से आपसे संपर्क करने का सुअवसर मिला। माताओं बहनों मित्रों, कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि दिन ब दिन कला हर ओर अपना रंग दिखा रहा है। घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, कला का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। घर के अंदर देखते हैं तो कला, परेशानी, टेंशन, घर के बाहर देखते हैं तो परेशानी, कला, टेंशन। आज हम अपने घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, जबकि कभी हमने इसी घर को जब लिया था तो हमने कहा था ये हमारे सपनों का घर है, ड्रीम होम, ड्रीम हाउस, सपनों का घर। लेकिन आज उस सपनों के घर में हम ज़्यादा समय, टाइम, हफ्ते बैठ नहीं पा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि बेजारियत होने लग रही है लोगों को, जबकि आज घर में बैठना ही हमारा भला है सुरक्षा के हिसाब से, और बाहर कोरोना है लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही इंसान को कहाँ सुख मिलेगा, घर के अंदर या घर के बाहर। ऐसा ही नहीं कि हमारे भारत के अंदर ये समस्या है, हर ओर ये समस्या बढ़ती चली जा रही। आज अमेरिका जैसे देश में दंगे हो रहे हैं, समझ सकते? आज न्यूयॉर्क सिटी में दंगे हो रहे हैं, एक तो कोरोना, ऊपर से दंगे। हर ओर समस्या, हर ओर परेशानी, क्योंकि इस संसार के रचयिता ही है, इस संसार की जिसने रचना की है उसने गीता में कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, दुख 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 है, परेशानी 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 है, टेंशन टेंशन टेंशन।
ऐसे में जो भी सुख मिला ये मेहरबानी समझो। आज हमारे जीवन में जो भी सुख है, जो भी सुविधा है, ये मेरे हरि की कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है। और उस सुख का सबसे बड़ा स्रोत सत्संग है। सुख का सबसे बड़ा स्रोत हरि कथा। और आप सब मेरे हरि के प्यारे, मेरे कृष्ण के प्यारे, मेरे ठाकुर के प्यारे, जो इस समय कथा का आनंद ले रहे हैं, हरि चर्चा का आनंद ले रहे हैं, मेरे प्रभु की बातों का आनंद ले रहे हैं, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर हम इस दुखमय संसार से एक दिन हमेशा के लिए छूट जाएंगे। हमेशा के लिए छूट जाएंगे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, हर और समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं में समाधान हरि कथा से मिल जाएगा, हरि कीर्तन से मिल जाएगा, हरि नाम से मिल जाएगा। जब हम भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम उस मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं जिस पे चलने के पश्चात कभी दूसरा जन्म नहीं होगा। आप भजन कीजिए, कृष्ण नाम से जुड़िए, हरि कथा से जुड़िए, आपका जन्म धन्य हो जाएगा। ये कृष्ण की असीम असीम मेहरबानी है। ये कृष्ण की असीम असीम कृपा है कि हमें अपना नाम लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हम उठते बैठते सोते जागते कृष्ण नाम से जुड़े हुए हैं, और यही कृष्ण की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कृपा है। अपना नाम दे दिया हम, अपना नाम दे दिया। मेरी माता बहनों मित्रों, ये नाम बड़ी कृपा का संकेत है, बड़ी कृपा का संकेत है ये नाम। नाम मिला ना, समझ लो नाम ही मिलने वाला है। जब कृष्ण किसी को मिलने वाला होता है तो अपना नाम दे देता है। देखो ये सही बात है कि किसी भी व्यक्ति को मिलने से पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए। आप जरा सोचो, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे मित्रों, बच्चों, आप सोचो जरा कि इस संसार में कुछ भी नाम के बिना नहीं मिलता है। कुछ भी नाम के बिना नहीं मिलता है। कुछ भी नाम के बिना नहीं मिलता। आप किराने की दुकान पे गए, राशन, आप कहोगे 1 किलो वो दे दो, किराने वाले बोले क्या दू, नाम बताओ, आप कहोगे। आप सब्जी वाले की दुकान पे गए और सब्जी वाले को पूछो 1/2 किलो वो दे दो, सब्जी वाला बोलेगा क्या दू, नाम बताओ, आप बोलोगे टमाटर, तो नाम लेने से टमाटर मिले।
इसी तरह से इस संसार में बता रहा था, नाम के बिना कुछ नहीं है। जब आपको नाम मिलता है ना, तो समझ लो नाम ही मिलने वाला है। जब कृष्ण नाम मिला ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे नाम से ही इस संसार में सब कुछ मिलता है, बिना नाम के कुछ मिल ही नहीं सकता। मैं अभी बता रहा था ना कि आप और किराने वाले को बोलो भैया 1 किलो वो दे दो, किराने वाले पूछेगा क्या वो दे दो, आप कहोगे 1 किलो चावल, तो नाम लिया तो चावल मिले। आप सब्जी वाले की दुकान पे गए और सब्जी वाले को कहो भैया 1 किलो वो दे दो, सब्जी वाला बोलेगा नाम बताओ, आपने कहा टमाटर, तो नाम लिया तो टमाटर मिले। आप बच्चे के स्कूल गए और कहा बच्चे को भेज दो, तो पहले पूछेगा किस क्लास में, आप बोलोगे 4th क्लास में है, फिर बोलेगा नाम बताओ, आपने बोला ये नाम है, तो बच्चे का नाम लिया तो बच्चा आया। तो बिना नाम के सब्जी नहीं मिल सकती, बिना नाम के चावल नहीं मिलते हैं, बिना नाम के कुछ दूसरी चीज़ें नहीं मिलती, तो बिना नाम के भगवान कैसे मिल सकता। तो भगवान का भी नाम लेना पड़ता है, कृष्ण कृष्ण राम राम, हरि हरि, गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, नारायण नारायण, ऐसे नाम लेना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम लिया। तो कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन ही नाम है। तो कल जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि कृष्ण ने कहा भगवद गीता का 9वां अध्याय 2वां श्लोक पढ़ रहे थे कि सर्व गोपनीय है, ये राज विद्या राज गुयम, पवित्रम इदम उत्तम उत्तम ज्ञान है। तो वही बात 18वें अध्याय में कृष्ण ने समझाई, जैसे कल मैं बता रहा था, सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परम वचः, इष्टो असि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं ये सर्व गुह्य ज्ञान, ये सर्व गुह्य ज्ञान मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे हित के लिए, भले के लिए, तो हमारा भला किस चीज में है? अपने मन की बात मानने में, पहली बात, या मनमोहन की बात मानने में? अपने मन की बात माने या कृष्ण की बात माने? संसार की बात माने या जिसने संसार को बनाया उसकी बात माने? बोलिए, मन की बात मानेंगे या मनमोहन अर्थात कृष्ण की बात मानेंगे? तो हम अपने हिसाब से अपना भला सोचते हैं, लेकिन हमारी तो बुद्धि ही सीमित है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए, वैसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए, लेकिन जब ऐसा होता है तब भी हम दुखी रहते हैं, वैसा होता है तब भी हम दुखी रहते हैं। तो फिर हम जब कृष्ण की बात मानते हैं तो परम सुख परम संतोष का अनुभव करते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम इंसान
चाहे कितने शक्तिशाली धनवान पैसे वाले हों, लेकिन एक ठोकर हमें जमीन पर सुला सकती, एक ठोकर। एक ठोकर, एक ठोकर सर पे लगती है, प्राण निकल जाते हैं। बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी जब मरने वाला होता है तो मजबूर, लाचार, बेबस हो जाता है। बुढ़ापे में वो पराधीन हो जाता है, और जब कोई सहारा मिलता नहीं है तो लकड़ी का सहारा लेता है। और अंत में इस संसार से खाली हाथ चला जाता है। कोड़ी कोड़ी कर जोड़ी, अंत में संसार के लिए सब छोड़ी। तो अपने लिए तो कुछ गया ही नहीं उसके साथ। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके साथ एक वस्तु जाएगी और यह कृष्ण नाम। वो गाना नहीं गाते, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। गजल सुनी है ना कभी, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। हाँ, तो मरते समय वही धनवान है जिसने हरि नाम लिया है, वही धनवान है जिसने कृष्ण नाम लिया है, वही धनवान है जिसने भगवान नाम लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक वही धनवान है अंत समय, बाकी तो सब कंगाल हो जाएंगे। ये अंगूठी भी है ना, ये भी निकाल लेंगे। ये वॉच है, ये भी निकाल लेंगे अंत समय। ये चश्मे हैं, वो भी निकाल लेंगे अंत समय। कंगाल, लेकिन एक है मालामाल जिसने बजा है गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे मेरे हरि का नाम, मेरे हरि का नाम, मेरे हरि का नाम, मेरे हरि का नाम। हरि नाम एव केवलम, हरि नाम एव केवलम, हरि कृपा एव केवलम, हरि कृपा एव केवलम। तो हम अपनी मर्जी से अपना भला चाहते हैं, अपनी भले की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो सब फेल हो जाती है, सब फेल हो जाती है। हम सोचते हैं ऐसा करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, हम सोचते हैं वैसा करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। एक आदमी अभी उस दिन मुझे फोन पे बता रहा था कि बापू, मैंने कुछ सोचकर शेयर मार्केट में पैसे डाले थे कि उससे कुछ इनकम आ जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, शेयर बिल्कुल गिर, मैं कंगाल हो गया। तो सोचता है इंसान कुछ, होता है कुछ, जरूरी नहीं कि जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हो। करो कृष्ण यहां कह रहे, ते हितम, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अब हमारा भला क्या है वो तो कृष्ण ही जानते हैं। देखो ना, जिसने हमें पैदा किया वही समझ सकते हैं हमारा भला क्या है। जैसे जिसने मोबाइल बनाया है वही जानता है कि मोबाइल की मेंटेनेंस कैसे हो सकती है, इस मोबाइल का कार्यकाल कैसे बढ़ सकता, ये मोबाइल कैसे सुरक्षित रहे, वो तो वही जानता जिसने मोबाइल बनाया। ऐसे हमको जिसने बनाया है वही जानता है कि हमारा भला किसमें। इसलिए कृष्ण ने कहा, ते ही बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, भजनों, भजन प्रेमियों, हरि के प्रेमियों,
आपसे जब मैं चर्चा करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मेरे कृष्ण से प्यार करते हैं, मैं उनसे बात करता हूं जो मेरे हरि की बातें सुनना चाहते हैं, मेरे हरि की कथा सुनना चाहते हैं, मेरे हरि के नाम लेवा है, मेरे हरि का नाम लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे। वक्ष्यामि ते हितम, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। क्या भला है? मनमना भव मद भक्तो, सुनो हमारा भला किसमें, कृष्ण क्या कह रहे। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। हमारा भला हमारा कल्याण किसमें है? सदैव मेरा चिंतन करो मन मना, मन मना भव मत भक्तो आजी माम नमस्करु, माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि हरि क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, जिसमें हमारा परम कल्याण हो। और अवश्य हम सब अपना परम कल्याण तो चाहते ही, सब परम कल्याण चाहते हैं, तो कृष्ण क्या चाहते हैं अगर हमने वैसा किया तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बातें तो बहुत है, शास्त्र तो बहुत है, वेदों की बातें बहुत हैं, उपनिषदों की बातें बहुत हैं, लेकिन ये शॉर्ट, पंजाबी में कहते एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, एक बात में बात खत्म हो जाए, वो है कृष्ण शरणागति होके कृष्ण नाम का भजन करना। इस विषय पे मैं कल आप लोगों से चर्चा करूंगा अगली सत्संग में, लेकिन एक बात बता दूं कि कल निर्जल एकादशी है। निर्जल एकादशी कैसे रखनी है, उस दिन हमको निर्जल एकादशी को क्या करना है, इस सिलसिले में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो पहली बात तो यह है कि निर्जल एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन और सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कल आप कृपा करके सब एकादशी रखिएगा। कहा गया है शास्त्रों में वो है निर्जल एकादशी, कल निर्जल रखना है। अगर कोई बीमार है, कोई वृद्ध अवस्था के लोग हैं, कोई बूढ़े लोग हैं, या छोटे बच्चे हैं, या गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, तो चाहे तो सजल, सजल मतलब जल के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन वो लोग जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो चाहे तो सजल रख सकते हैं, फल आहार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सही तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है और सही तरह से एकादशी रखना चाहता है तो उसे निर्जल रखना चाहिए। निर्जल मतलब कल सुबह सूर्य उगने से पहले, सूर्य उगने से पहले, अर्थात मैं आपको सेफ साइड बताऊं तो 4:30 बजे तक आप पानी पी सकते हैं। सुबह कल 4:30 बजे तक पानी पी सकते हैं, इसलिए पानी का जो व्रत है निर्जल, वो मात्र कितने घंटे का हुआ? 24-25 घंटे का हुआ, ठीक है। तो कल आप 4:30 तक सेफ साइड आप पानी पी सकते हैं अच्छे से। और दूसरे दिन
आपके शहरों में जो एकादशी द्वादशी का समय होगा वो समय के अनुसार आप अपनी द्वादशी का व्रत खोल सकते हैं और जल ले सकते हैं मेरे ठाकुर की पूजा करके, तुलसी पूजा करके। और सारा दिन आपको क्या करना है? अब वैसे तो हमारा जो नियम है, सिद्धांत है, मैं बरसों से संगत अपने परिवार के साथ पूरी भगवद गीता का पाठ करते हैं हम सब, लेकिन अब इस बार कुछ वातावरण ऐसा है कि हम एकत्रित नहीं हो सकते हैं, और इसमें ही समझदारी भी है कि हम भीड़ इकट्ठी ना करें। इसलिए आप सब अपने अपने घरों में बैठकर भगवद गीता का पाठ करेंगे। जैसे कि हर साल पहला अध्याय मैं पढ़ता हूँ, ऐसे कल भी पहला अध्याय मैं पढ़ूंगा। बाकी आप सब अपने अपने घरों पे भगवद गीता का पाठ कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र के जाप की माला कीजिए, संध्या आरती कीजिए, संध्या को कीर्तन कीजिए, रात्रि को भगवान चिंतन कीजिए। बहुत सारे लोगों को जल ना लेने के कारण नींद भी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी तो तपस्या कीजिए ना, अगर हो सकती है तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर हो सकती तो आप तपस्या कीजिए, एकादशी का व्रत ऐसे रखिए। और सच कहता हूँ, जब आप जल पियोगे ना द्वादशी को, एकादशी का व्रत का पारण करोगे, आपके अंतरात्मा में बड़ी खुशी होगी कि अरे मैंने एकादशी निर्जल रखी। मेरा ठाकुर आप सबों को शक्ति दें। तो आप चाहो तो आज रात को पानी पी सकते हो। कब तक? सुबह 4:30 तक, सेफ साइड कह रहा हूँ, सुबह 4:30 तक आप पानी पी सकते हो आराम से। चाहो तो सारी रात पानी पी सकते हो, सुबह 4:30 तक सेफ साइड। फिर तो सूर्य कहाँ किस शहर में कब उगता है वो अलग बात है, इसलिए सेफ साइड कह रहा हूँ। 4:30 तक पानी पी सकते हो आराम से। उसके बाद फिर आप अपना पूजा पाठ, जो भी मंगल आरती करके, तुलसी पूजा, गुरु पूजा करके व्रत रखिए, और दूसरे दिन आप व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं व्रत का, जो समय हो आपके शहर का। मेरा ठाकुर आप सबों को शक्ति दें। कल मिलते हैं फिर से ही हरी कथा के साथ, हरी चर्चा के साथ। तब तक बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा गोविंद आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, एकादशी रखने की पूरी पूरी शक्ति दे, और भगवान आप लोग को खुश रखे। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।